फंडों की तरह ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी हाल के दिनों में हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स के बीच निवेश का एक पॉपुलर व्हीकल हो गया है। पिछले दशक के दौरान पीएमएस इंडस्ट्रीज में 63,550 क्लाइंट जुड़े और इनकी एयूएम जून 2012 के 22,614 करोड़ रुपए से कई गुना बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई। पीएमएस उच्च जोखिम के साथ उच्च रिटर्न वाले प्रवृत्ति के होते हैं। इसकी मिनिमम निवेश सीमा 50 लाख होती है। आइए हम उन पीएमएस पर नजर डालते हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में सालाना 21% का रिटर्न दिया है और अपने निवेशकों को मालामाल बना दिया है। बता दें कि इस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े 31 जुलाई 2022 तक के हैं जो पीएमएस बाजार से लिए गए हैं। नंबर 1, एक्वेरियस वेल्थ लॉन्ग होरिजन फंड। इस फंड ने पिछले 5 साल में 21.1% का रिटर्न दिया है। इसका एयूएम 543 करोड़ रुपए है। इसके फंड मैनेजर विराज मेहता हैं। इस फंड की होल्डिंग में पॉलीकैब इंडिया, थंगमाइल ज्वेलरी, डेल्टा कॉर्प और नॉसिल जैसे स्टॉक शामिल हैं। नंबर 2, सेंट्रम पीएमएस माइक्रो। इसने 5 साल में 17.5% का रिटर्न दिया है। इसकी एयूएम 3 करोड़ रुपए है। इसके फंड मैनेजर अभिषेक आनंद हैं। इस फंड की होल्डिंग में राजरतन ग्लोबल वायर, जमुना ऑटो, केआई इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक शामिल हैं। नंबर 3, सेंट्रम पीएमएस डीप वैल्यू। इसने 5 साल में 17.2% का रिटर्न दिया है। इसकी एयूएम 5.2 करोड़ रुपए है। इसके फंड मैनेजर अभिषेक आनंद है। इस फंड की होल्डिंग में राजरतन ग्लोबल वायर, जमुना ऑटो, एपीएल ऑटो ट्यूब, गति जैसे स्टॉक शामिल हैं। नंबर 4, सेंट्रम पीएमएस मल्टीबैगर। इसने 5 साल में 17.1% का रिटर्न दिया है। इसकी एयूएम 3.4 करोड़ रुपए है। इसके फंड मैनेजर अभिषेक आनंद है। इस फंड की होल्डिंग में राजरतन ग्लोबल वायर, जमुना ऑटो, APL ऑटो ट्यूब, सिटी यूनियन बैंक जैसे स्टॉक शामिल हैं। नंबर 5, अंबित इन्वेस्टमेंट एडवाइजर गुड एंड क्लीन। इसने 5 साल में 14.2% का रिटर्न दिया है। इसकी एयूएम 615 करोड़ रुपए है। इसकी फंड मैनेजर ऐश्वर्या दधीच हैं। इस फंड की होल्डिंग में राजरतन ग्लोबल वायर, जमुना ऑटो, APL ऑटो ट्यूब, सिटी यूनियन बैंक जैसे स्टॉक शामिल हैं। नंबर 6, राइट होरिजन्स सुपर वैल्यू। इसने 5 साल में 14% का रिटर्न दिया है। इसकी एयूएम 38 करोड़ रुपए है। इसके फंड मैनेजर अनिल रेगो हैं। इस फंड की होल्डिंग में पॉलीकैब इंडिया, केआई इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान फूड जैसे स्टॉक शामिल हैं। नंबर 7, एक्यूरा कैप पीको पावर। इसने 5 साल में 13.7% का रिटर्न दिया है। इसकी एयूएम 962 करोड़ रुपए है। इसके फंड मैनेजर रमन नागपाल और नरेश गुप्ता हैं। इस फंड की होल्डिंग में APL अपोलो, KPR मिल, SKF इंडिया जैसे स्टॉक शामिल हैं। नंबर 8, सुंदरम अल्टरनेट्स SELF पोर्टफोलियो। इसने 5 साल में 13.5% का रिटर्न दिया है। इसकी AUM 679 करोड़ रुपए है। इसके फंड मैनेजर मदन गोपाल रामू हैं। इस फंड की होल्डिंग में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बजाज फिन रिजर्व, बर्जर पेंट्स, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक शामिल हैं। नंबर 9, निपॉन इंडिया एमर्जिंग इंडिया। इसने 5 साल में 12% का रिटर्न दिया है। इसकी एयूएम 76 करोड़ रुपए है। इसके फंड मैनेजर वरुण गोयल हैं। इस फंड की होल्डिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा, चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक शामिल हैं। मार्केट की इनसाइट खबरों के लिए बने रहे मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।